नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान जी टेक्निकल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माइक्रोमैक्स इन टू बी का ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। दोस्तों, माइक्रोमैक्स इन टू बी में आपको 6.52 इंच की एलसीडी टाइप की डिस्प्ले मिलती है और इसका जो वेट है, जो इसका वजन है, वो 190 ग्राम है। हम अपने इस वीडियो में इसका कंप्लीट ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करेंगे, जिसमें इसका स्क्रैच टेस्ट, वाटर टेस्ट, पेन टेस्ट और ड्रॉप टेस्ट करेंगे। तो देखेंगे कि हमारे कंप्लीट ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में माइक्रोमैक्स इन टू बी सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं माइक्रोमैक्स इन टू बी का ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। तो दोस्तों, ये है आपका माइक्रोमैक्स इन टू बी। अब इसका स्क्रैच टेस्ट करते हैं। कहाँ घुस गया? दोस्तों, आपको इस पर स्क्रैच दिखाई दे रहे होंगे, इस पर हमारे चाकू से स्क्रैच आ रहे हैं। आपको इस पर स्क्रैच दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों, बड़ी आसानी से इस पर स्क्रैच लग जा रहे हैं। अगर कैमरा ग्लास की बात करें तो कैमरा ग्लास पर भी आपको स्क्रैच दिख रहे होंगे। कैमरा ग्लास पर भी स्क्रैच लग रहे हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, कैमरा ग्लास पर भी इसके स्क्रैच आ रहे हैं। तो दोस्तों, इन नोट टू बी पर स्क्रैच लगते हैं, इसलिए आपको कोई अच्छा सा टेम्पर ग्लास लगा के रखना होगा इसको स्क्रैच से बचाने के लिए। स्क्रैच टेस्ट के बाद दोस्तों, हम चलते हैं इसके वाटर टेस्ट पर। जैसे आपको पता है, हम अपने ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में मोबाइल का एक छोटा सा वाटर टेस्ट भी करते हैं, जिससे आप थोड़े से श्योर हो जाएं कि आपके मोबाइल में अगर थोड़ा बहुत पानी चला जाएगा या गलती से आपका मोबाइल पानी में गिर जाएगा तो आपके मोबाइल सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, आपका मोबाइल अटेंडम खराब होगा या थोड़ी बहुत देर के बाद खराब होगा, ये हम अपने टेस्ट में देखते हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए इसका कैमरा वगैरह हम देख लेते हैं, कैमरा काम कर रहा है। अगर बात करें इसके साउंड की तो दोस्तों, साउंड भी काम कर रहा है, वॉल्यूम रॉकर्स भी काम कर रहे हैं, पावर बटन भी काम कर रहा है, और इसी बीच चार्जिंग पोर्ट भी देख लेते हैं, चार्जिंग भी ले रहा है। तो चलिए अब हम इसका एक मिनट का वाटर टेस्ट कर लेते हैं और 30 सेकंड का वाटर टेस्ट हम अपने ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में करते हैं। ये हमने चालू किया। दोस्तों, आप इस तरह के टेस्ट अपने मोबाइल के साथ बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जब आप इस तरह के टेस्ट करते हैं तो फिर आप कमेंट करते हैं हमारा मोबाइल ख़राब हो गया। तो ऐसे टेस्ट आप बिल्कुल भी ना दोहराएं अपने मोबाइल के साथ में। ये केवल दुर्घटनावश यदि आपका मोबाइल पानी में चला जाए, तो उस तरह की कंडीशन के लिए हम आपको ये टेस्ट दिखाते हैं। चलिए, 30 सेकेंड से ज़्यादा का समय हो गया है और अब हम इसे निकाल लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम इसका सिम ट्रे देख लेते हैं। यहीं पर सिम ट्रे के ऊपर तो पानी काफ़ी लग रहा है, कोई भी वाटर की जो प्रोटेक्शन है इसमें नहीं दी गई है। देखिए, यहाँ पर कोई भी गैस्केट वगैरह की प्रोटेक्शन भी नहीं है। बहुत दूर तो नहीं है, हल्का सा मॉइस्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सिम ट्रे में अभी तो पानी, देखिए अंदर से पानी निकला इसके सिम ट्रे के, ये वाला सिम ट्रे में इसके में पानी गया है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा तो नहीं। मैं इसे एक बार साफ़ कर लेता हूं और फिर आपको दिखाता हूं कि इसके पोर्ट्स ऑन बटन्स जो हमने चेक किए थे वो भी काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखिए, पानी निकल रहा है। चलिए दोस्तों, एक बार इसके पोर्ट्स एंड बटन्स देख लेते हैं, जैसे स्पीकर वगैरह देख लेते हैं। अभी जो हमने देखा था तो स्पीकर तो अभी काम कर रहा है, वॉल्यूम रॉकर्स भी इसके काम कर रहे हैं, पावर बटन भी अभी काम कर रहा है, और दोस्तों अगर चार्जिंग पोर्ट की बात करें
तो चार्जिंग पोर्ट भी इसका प्रॉपरली अभी काम कर रहा है। और मैं एक माइक्रोमैक्स इन टू भी का जो गिव अवे भी ट्विटर पर कर रहा हूँ, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर लें। तो चलिए दोस्तों, माइक्रोमैक्स इन टू भी का स्क्रैच टेस्ट और वाटर टेस्ट करने के बाद अब हम कर लेते हैं इसका बेंड टेस्ट, और इसमें जो पानी गया है उसे हम इसके ड्रॉप टेस्ट में बाहर निकाल देंगे। चलिए अब हम इसका बेंड टेस्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो आप फोकस कीजिएगा, सबसे पहले फ्रंट साइड से। मेरे हाथ में भी हल्की सी चोट है, लेकिन फिर भी मैं पूरा प्रयास करूँगा। हल्का सा फ्लेक्स है, बैक साइड से कर लेते हैं। दोस्तों मैं आपको पीछे भी बता चुका हूँ कि कई मोबाइल्स में ये दिक्कत मैंने महसूस की है कि जब हम वाटर टेस्ट के बाद बैंड टेस्ट करते हैं तो जो उसका चार्जिंग जैक है जहाँ पर, वहाँ पर जो है टेम्परेचर थोड़ा हाई हो जाता है। इसका भी टेम्परेचर थोड़ा हाई हो गया है और बैंड टेस्ट करते समय मुझे ना ये थोड़ा सा गर्म महसूस हो रहा है। तो चलिए अब बैक साइड से कर लेते हैं। आगे की तरफ भी हल्का सा फ्लेक्स आया है। वैसे तो जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट वाले जो मोबाइल्स होते हैं उनमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन इसमें आपको बैक में फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है तो ज़्यादा दिक्कत है नहीं बैंड के मामले में। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों ये था इसका स्क्रैच टेस्ट, वाटर टेस्ट और बैंड टेस्ट। अब चलते हैं हम इसके ड्रॉप टेस्ट पर और देखते हैं ये हमारे ड्रॉप टेस्ट में सर्वाइव कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो दोस्तों माइक्रोमैक्स इन टू बी का स्क्रैच टेस्ट, वाटर टेस्ट और बेंड टेस्ट करने के बाद अब हम आ गए हैं इसके ड्रॉप टेस्ट पर। तो दोस्तों आपको हमारे ड्रॉप टेस्ट का तरीका पता है, मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि इन टू बी में आपको 6.52 इंच की LCD टाइप डिस्प्ले मिलती है और इसका जो वेट है वो 190 ग्राम है और इसके जो ग्लास की प्रोटेक्शन है वो पूरी तरह से बताई नहीं गई है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो सबसे पहले ज़्यादा समय ना गंवाते हुए पॉकेट हाइट बॉटम साइड इसको ड्रॉप करते हैं और देखते हैं हमारे ड्रॉप टेस्ट में सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। आप भी ये कमेंट डाल के हमें ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है। पॉकेट हाइट बॉटम साइड, तो दोस्तों बॉटम साइड से अभी हमने इसको गिराया है और इसकी स्क्रीन अभी तक ठीक है। अब दोस्तों सेम टेस्ट हम दोहराते हैं ईयर हाइट से, बॉटम साइड से। माइक्रोमैक्स इन टू बी बॉटम साइड ईयर हाइट, अभी तक दोस्तों इसकी स्क्रीन ठीक है। और मैं इसका कैमरा वगैरह अगर देखूं तो कैमरा भी अभी काम कर रहा है। चलिए अप साइड पॉकेट हाइट, LCD टाइप की डिस्प्ले आती है, आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऊपर की साइड से हमने इसको गिराया, अभी तक इसकी स्क्रीन ठीक है, कैमरा ग्लास भी इसका अभी तक ठीक है। चलिए अब अप साइड से ईयर हाइट से, ईयर हाइट अप साइड, ऊपर की साइड से गिराया था और अभी तक दोस्तों इसकी स्क्रीन बिल्कुल ठीक है। और अगर हम इसका कैमरा वगैरह देखें तो कैमरा वगैरह भी काम कर रहे हैं। अगर हम देखें इसका स्पीकर वगैरह तो स्पीकर वगैरह भी इसके काम कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारा अप साइड से और बॉटम साइड से जो है टेस्ट हो गया है पॉकेट हाइट और ईयर हाइट से। अब बैक साइड से पॉकेट हाइट से, कैमरा साइड पॉकेट हाइट, कैमरे का ग्लास है अभी तक तो दोस्तों ठीक है और आप देखेंगे तो स्क्रीन भी इसकी अब तक ठीक है। दोस्तों अब ये इसका टेस्ट ईयर हाइट से। ईयर हाइट का टेस्ट शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपको हमारा टेस्ट अच्छा लग रहा है और ये वीडियो आप देख रहे हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आगे भी आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिल सकें। तो चलिए कैमरा साइड बैक साइड ईयर हाइट, स्क्रीन ठीक है
और कैमरे का ग्लास भी ठीक है। दोस्तों अब इसके दो मेजर टेस्ट बचते हैं, एक पॉकेट हाइट से स्क्रीन साइड से और दूसरा आपका ईयर हाइट से। सबसे पहले पॉकेट हाइट स्क्रीन साइड। आप दोस्तों हमें कमेंट जरूर बताएं कमेंट करके कि आपको क्या लगता है कि मोबाइल टूटा होगा या बचा होगा और आगे भी क्या चांसेस हैं। अभी तक तो इसकी स्क्रीन बची हुई है। दोस्तों यदि वीडियो अभी तक आप देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक बटन भी दबा दें। लास्ट टेस्ट स्क्रीन साइड ईयर हाइट, और मैं एक बार फिर दोहरा दूं, LCD टाइप की HD प्लस डिस्प्ले है और इसका जो वजन है वेट है वो 190 ग्राम है। देखते हैं ईयर हाइट स्क्रीन साइड। अभी तक तो दोस्तों ये बच रहा है। माइक्रोमैक्स इन 2B हमारे ड्रॉप टेस्ट में सर्वाइव कर गया है। अब हम इसका अलग दूसरा कोई टेस्ट लेकर के आएंगे। तो दोस्तों ये था माइक्रोमैक्स इन 2B का कंप्लीट ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। स्क्रैच टेस्ट में इसकी स्क्रीन पर स्क्रैच आपको दिखाई दिए थे। वाटर टेस्ट में हल्का सा मॉइस्चर इसके सिम ट्रे पे आया था और थोड़ा सा हीटिंग इशू था इसके चार्जिंग जैक के साथ। बैंड टेस्ट में ये अच्छी खासी परफॉर्मेंस थी इसकी, कोई दिक्कत नहीं थी। और ड्रॉप टेस्ट में भी ये हमारे सर्वाइव कर गया है। चलिए दोस्तों ये था माइक्रोमैक्स इन 2B का कंप्लीट ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।